वेलकम बैक टू ग्रुप डी वाला। ग्रुप डी वाला में आपका स्वागत है। हम आज शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, किसी भी संख्या के पहाड़ों का योग निकालें। हम इसी को, क्योंकि ये रेलवे के अंदर कई क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, इसलिए हम इसका योग निकालना सीखते हैं। अब जैसे दो के पहाड़े का हम योग निकालते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है हमें। जैसे मैंने इसका सॉल्व करके देख रखा है तो इसका सॉल्यूशन आता है 110 आता है। इसी तरीके से जैसे पाँच का पहाड़ा है, पाँच एकम पाँच, पाँच दून दस, पाँच तीन पंद्रह, पाँच चक्कू बीस, पचास पच्चीस, पाँच छक्के तीस, पाँच सत्तर पैंतीस, पाँच चालीस, पाँच नाम पैंतालीस, पाँच दही पचास। तो इसका मैंने टोटल किया हुआ है तो इसका टोटल आता है 275। इसको सॉल्व करने में हमें कई बार बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, क्योंकि ये रेलवे की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, मगर किसी न किसी क्वेश्चन में इसका यूज होता है। तो हम इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। जैसे हमने निकाला दो के पहाड़े का, तो इसमें हम टोटल करेंगे तो 110 आएगा। इसी को हम सीधा सॉल्व करते हैं, जैसे दो के पहाड़े का योग निकालना है तो सीधा हम करेंगे 2×55 बराबर 110 आता है। इसी तरह से पाँच के पहाड़े का योग निकालेंगे तो इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि योग निकालने में बार बार से जोड़ना पड़ता है, कई बार गलती हो जाती है जोड़ने में। तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक यही है, जैसे 5×55। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे जैसे ये छोटे छोटे से पहाड़ों का कहाई तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, मगर जैसे बड़े बड़े पहाड़े यानी नंबर आ जाते हैं उनका हम कैसे निकालें। तो इसी तरीके से जैसे आप निकाल के देख सकते हैं, यानी टोटल करके देख सकते हैं 27 के पहाड़े का, तो 27 के पहाड़े का भी इसी तरीके से आएगा। 27×55 करने पर हमें प्राप्त होता है 1485। आप इसको 27 का पहाड़ा लिख के और फिर इसको सॉल्व करके और इसका योग है वो टोटल करके देख सकते हैं, 1485 प्राप्त होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए जैसे 47 का निकालना है तो यही ट्रिक है। जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या का पहाड़ा का योग पूछा जाता है, तो उसी संख्या के साथ में 55×2 करने पर उसी संख्या का टोटल या कुल योग हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे 47×55 का हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये आता है 25×85। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, योग करके देख सकते हैं, यही आएगा। तो जैसे ये छोटी संख्या हो गई, हम इसी के साथ में जैसे बड़ी संख्या होती है 105 का निकालने में तो बहुत टाइम लग जाता है और टोटल करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये ट्रिक है। 55 कर दीजिए आपको तो इसका सलूशन आ जाएगा 57×75। तो इसी टॉपिक को हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें यही दिखाया गया है, जैसे भी किसी भी संख्या के पहाड़े का योग पूछा गया है आपसे, तो हमें यही करना है उस संख्या जिस संख्या का पूछा गया है 55 कर देने से उस संख्या के पहाड़ों का योग निकल आता है। ये बेस्ट ट्रिक है। इसके अलावा अगर कोई ट्रिक आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में भी हमें शेयर करें। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपको
मेरी प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए बेल आइकन को भी क्लिक करें और ऑल मेंबर का शेयर करें। इससे आपको पल पल की वीडियो जो भी मेरी तरफ से डाली गई होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।